हेलो फ्रेंड्स, मैं रजकांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम फ्रिल हाई नेक ब्लाउज बताएंगे। तो देखिए, इसके लिए हमने हाफ मीटर नेट लिया है और एक अस्तर और मेन फैब्रिक है। तो देखिए, जो स्टक कपड़ा है उसे हम कटिंग कर देंगे। और ब्लाउज का लंबाई हम 13 इंच रखेंगे। और शोल्डर लेंगे 6.5 इंच। और आर्म होल लेंगे हम 6.5 इंच। और चेस्ट है 32 इंच, तो उसका चौथा भाग हम 8 इंच पर एक मार्क करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और 28 इंच कमर है, तो 7 इंच हम चौथा भाग लेंगे और 1 इंच टॉक्स के लिए लेंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और 1.5 इंच पर हम गोलाई देंगे। तो चलिए पहले इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, वैसे ही हम दूसरा पार्ट को भी रखकर कटिंग कर लेंगे। क्योंकि ये वन टक्स ब्लाउज हम बनाएंगे, तो दोनों पार्ट के हम बराबर ही रखेंगे। तो देखिए, हमने दोनों पार्ट को कटिंग कर लिया है। और ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट। तो फ्रंट पार्ट में हम 1/2 इंच कटिंग कर लेंगे आर्म होल को। तो देखिए, नेक विड्थ रखेंगे हम 2.5 इंच और 1.5 इंच हम रखेंगे इसका लंबाई। और इसे हम गोलाई दे देंगे और एक मार्क हम 6 इंच पर देंगे और 6 इंच पर इसे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए, इसे हम पहले कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, हमने कटिंग कर लिया है और बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। इसका भी हम नेक विड्थ 2.5 इंच रखेंगे और लंबाई भी 2.5 इंच रखेंगे। और इसे हम गोलाई दे देंगे और नेक का पूरा लंबाई हम 9 इंच रखेंगे और 9 इंच पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए, इसे भी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हम बैक एंड फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लिया है और इसे मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेन फैब्रिक पर भी हम कटिंग कर लिया है। तो देखिए, हमने बाजू ऑलरेडी बना लिया हुआ है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। इसका लंबाई हम 16 इंच रखी हूँ और फिटिंग मेरा 15 इंच का है लंबाई बाजू का। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अब गले को बनाएंगे। तो गले पर दोनों पार्ट हम एक ही साथ रख कर सिलाई अटैच करेंगे। तो देखिए, जो पिनअप हमने लगाया हुआ है उसे भी निकाल देंगे और इस पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और एक ऊपर से सिलाई अटैच करेंगे ताकि जो गला है वो फिनिशिंग से आएगा। तो इसे हम अंदर की तरफ से करके ऊपर से एक सिलाई और अटैच कर देंगे।
तो देखिए ऐसे ही हम पूरे में भी सिलाई अटैच कर देंगे, दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर देंगे। तो ऐसे ही हम पूरे में सिलाई को अटैच करेंगे। तो देखिए हमने सिलाई अटैच कर लिया और इस पर हम टॉक्स लगाएंगे। ये टॉक्स हम 1 इंच के रखेंगे और इसका लंबाई हम 4 इंच देंगे। वैसे ही दूसरा तरफ भी टॉक्स लगा लेंगे। ये टॉक्स गले के अनुसार ही लगानी है। तो देखिए वैसे ही हम फ्रंट पार्ट को भी तैयार करेंगे। तो देखिए हमने ऊपर से सिलाई अटैच कर ली, इस पर भी हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। और इस पर हम सीधे करके ऊपर से एक सिलाई अटैच कर देंगे। तो इस पर भी हम पूरे में सिलाई अटैच कर लेंगे ताकि अस्तर का कपड़ा अच्छे से ज्वाइंट हो जाए। तो चलिए इस पर भी हम टॉक्स लगाएंगे। इसका टॉक्स भी हम 1 इंच के रखेंगे और इसका लंबाई हम 5 इंच के देंगे। वैसे ही दूसरा तरफ भी अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने टॉक्स अटैच कर लिया है और जो हमने कपड़े गले के लिए कटिंग किया था उसे हम पेपर या चार्ट पेपर भी इसे कटिंग करेंगे। तो देखिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के इसे हम कटिंग करेंगे। आपको नीचे से ही केवल एक्स्ट्रा लेना है, साइड में और गले पर नहीं एक्स्ट्रा रखना है। तो देखिए हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, इसे हम कटिंग कर लेंगे। ये मेरा चार्ट पेपर है। तो ऐसे ही हम दूसरा पार्ट को भी कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने 1/2 मीटर नेट लिया है तो इसे हम सिलाई पूरे में अटैच कर देंगे। तो देखिए हमने पूरे में सिलाई अटैच कर लिया है और इसे हम धागे को है जो हल्के हाथों से खींच लेंगे और इस पर हम चुन्नट बनाएंगे। आप इस तरह से प्लेट्स बनाएंगे, आपका बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आएगा। तो चलिए इसे ऐसे ही हम पेपर पर सिलाई अटैच कर देंगे। आपको यहाँ फिनिशिंग के साथ सिलाई अटैच करनी है ताकि अच्छे से जो प्लेट्स है वो अच्छे से बैठ जाए, बरोबर आपको प्लेट्स बैठानी है। तो ऐसे ही पूरे गोलाई में हम सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ऊपर से सिलाई अटैच कर लिया, वैसे ही हम नीचे से भी सिलाई अटैच करेंगे। ये प्लेट्स आपको बरोबर ही रख के सिलाई अटैच करना है। तो
ऐसे ही अच्छे से प्लेट्स को बैठाकर पूरे में सिलाई को अटैच करना है। तो देखिए ऐसे ही हम पूरे में सिलाई को अटैच कर देंगे। और जो एक्स्ट्रा नेट है उसे हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमने कटिंग कर लिया। वैसे ही जो एक्स्ट्रा जो नेट फैब्रिक हमें बचा हुआ है उस पर भी वैसे ही हम सिलाई अटैच करेंगे और फ्रंट पार्ट पर भी अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स वैसे ही हम इस पर भी सिलाई अटैच करेंगे। तो ऐसे ही हम पूरे में चुनट करके सिलाई अटैच करेंगे। तो देखिए ऐसे ही पूरे में सिलाई को अटैच कर लिया है और इसमें भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे भी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमने फ्रंट पार्ट को भी तैयार कर लिया और बैक पार्ट को भी हमने तैयार कर लिया है और इसे हम अटैच करेंगे। तो इस पर हम अपने पिनअप लगा लेंगे और फिर अटैच करेंगे। आप हमेशा पिनअप से अटैच करें ताकि आपको फिनिशिंग है जो अच्छे से आएगी। फ्रेंड्स यदि मेरा आप नए हो मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही इस चैनल पर वीडियो लाती रहती हूँ। तो देखिए इस पर एक धागे और लगा देंगे ताकि जो नीचे की जो फैब्रिक अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए फ्रंट पार्ट को हमने तैयार कर लिया है। वैसे ही बैक पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। इस पर वैसे ही पिनअप लगा के पूरे सिलाई को अच्छे से अटैच कर देना है। इस पर भी एक सिलाई और अटैच कर देंगे। तो देखिए बैक पार्ट को भी हमने बना लिया है। तो इसे हम बीचों बीच कट कर देंगे ताकि ये बैक हुक होगा। तो देखिए दोनों साइड को बराबर करके इसे हम कटिंग कर देंगे और इस पर भी हम घटाओ पेटी और बढ़ाओ पेटी हम ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए ऊपर से एक सिलाई और अटैच करेंगे।
और इस पर एक लेयर अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये घटाव पेटी है, तो चलिए वैसे ही बढ़ाव पेटी हम ज्वाइंट करेंगे। ये जो रहा हम जो हमने पेपर लगाया हो इसे अभी नहीं हम निकालेंगे, अंत में निकालेंगे। पूरे पार्ट को हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए ऊपर से बीच में भी हम सिलाई अटैच करेंगे। तो देखिए ऐसे ही हम बढ़ाव पेटी भी ज्वाइंट करेंगे। और एक सिलाई और हम अटैच करेंगे। तो चलिए हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो ऐसे दूसरा पार्ट को भी शोल्डर ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए हमने शोल्डर ज्वाइंट कर लिया है और इस पर हम बाजू अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने जो बाजू बनाया हुआ है उसे हम अटैच करेंगे और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ज़रूर आप लोग देखिएगा और मेरे चैनल पर कमेंट कीजिएगा एक कैसा बाजू एंड ब्लाउज डिजाइन लगा। वैसे ही दूसरी तरफ भी हम सिलाई को अटैच करेंगे। तो देखिए ऐसे हम दूसरी तरफ से बाजू अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हम दोनों तरफ से बाजू को अटैच कर लिया है और हम सीधे साइड में दोनों पार्ट को सिलाई अटैच करेंगे। आप इस तरीके से ज्वाइंट करके सिलाई अटैच करेंगे और फिटिंग का सिलाई देंगे, आपको बिल्कुल परफेक्ट आएगा फ्रेंड्स, ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो ऐसे ही हम सीधे साइड में दोनों तरफ से सिलाई अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों तरफ से सिलाई अटैच कर लिया और जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे भी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने पूरे को कटिंग कर लिया, जो नीचे का पार्ट है उसे भी हम बना लेंगे। तो देखिए हमने बना लिया है। तो चलिए इस पर हम फ्रिल अटैच करेंगे नेक के लिए। तो देखिए इसका चौड़ाई हम 4 इंच रखेंगे और इसे हम 2 फोल्ड में करके सिलाई अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने सिलाई अटैच कर लिया, इस पर हम प्लेट्स लगाएंगे। तो ऐसे ही पूरे में फ्रिल बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही पूरे को हम प्लेट्स लगा लेंगे। तो देखिए हमने फ्रिल अटैच करने के लिए सीधे साइड में ही अटैच करेंगे। तो ऐसे ही फ्रिल को हम सीधे साइड में अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही पूरे गोलाई में फ्रिल को अटैच कर देना है। तो देखिए पूरे को हम नेक पर
सिलाई अटैच कर लिया है। तो चलिए हम फ्रिल के सीधे साइड में करके ऊपर से एक सिलाई और अटैच कर देंगे। तो देखिए ऐसे ही हम ऊपर से कमर पर भी सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितना ही फ्रिल ने कितना बन अच्छे से बना है। तो देखिए अब यहाँ का हम जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने पेपर को कटिंग कर लिया, इसे हम फिटिंग का सिलाई देंगे, मार्क करेंगे। तो देखिए बाजू का मार्क हम मोहरी के पास करेंगे 4 इंच और चेस्ट है 32 इंच, तो चौथा भाग हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। और 28 इंच कमर है तो उसका चौथा भाग हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। तो ऐसे हम दूसरे तरफ भी नाप कर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही दूसरे तरफ भी मार्क लगा लेंगे। तो देखिए हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है, ऐसे ही सिलाई को अटैच कर लेंगे। तो देखिए उसी लाइन पर हम सिलाई को अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा ब्लाउज बन के तैयार हो गया है। यदि मेरा वीडियो आप लोग का पसंद आया होगा और समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।